भारतीय रेलवे देश में परचम लहरा रहा है। वंदे भारत की बड़ी सफलता के बाद दो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को शुरू किया गया था। इनमें से पहली ट्रेन दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलाई गई थी और दूसरी ट्रेन मालदा टाउनसर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल यानी कि बेंगलुरु के बीच चलाई गई थी। इन दोनों ही ट्रेनों की सफल शुरुआत के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 50 अमृत भारत एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी है। अमृत भारत ट्रेन का निर्माण सरकार ने मेक इन इंडिया के तहत किया है। ये भारतीय रेलवे की आधुनिक ट्रेन्स हैं। इन ट्रेन्स को पिछले दिनों आम आदमी की सुविधा को ध्यान में रखकर शुरू किया गया था। इन नॉन एसी ट्रेन्स में सेकंड क्लास की अनरिजर्व्ड और स्लीपर कोच हैं। दोनों छोर पर 6000 एचपी वेब 5 लोकोमोटिव के साथ ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम है। इस ट्रेन में दो इंजन लगाए गए हैं क्योंकि ये लिंक हॉफमैन बुश यानी कि LHB पुश पुल डिजाइन वाली हाई स्पीड ट्रेन्स हैं। ट्रेन में आगे की तरफ लगा इंजन ट्रेन को आगे की ओर खींचता है, वहीं पिछला इंजन ट्रेन को आगे बढ़ाने में मदद करता है। ये ट्रेन सेमी कपलर टेक्निक पर बेस्ड है। ये तकनीक ट्रेन के शुरू होने और रुकने के दौरान महसूस होने वाले झटकों के असर को कम करने में मददगार होती है। अमृत भारत एक्सप्रेस को यात्रियों की सहूलियत के लिए तमाम तरह की सुविधाओं से लैस किया गया है।